बताइए, अगर डबल शाख का और सिंगल शाख का क्या फायदा होता है? भी एक नए रिक्शा ड्राइवर थे, आप लोग पहले भी चलाते रहे हैं। ये वाला शाख यहाँ से टूट गया, कैसे टूटा, इसकी टूटने की क्या वजह सामने आई है? ये वाला छोटे वाला जो शाख होता है ये टूट गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए। जैसे आप सबको पता, मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ नई से नई वीडियो आती रहती है। क्यों आती है? ताकि जो गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं वो वाली गलतियाँ आप लोग ना करें। जो एक नया रिक्शा ड्राइवर होता है वो ये वाली गलतियाँ हर बार करता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस टाइम एक अंकल मौजूद है, उन्होंने भी अपना नया ऑटो रिक्शा लिया था, लेकिन वो चला रहे थे, सामने से एक खड्डा आया। तो ये वाला छोटे वाला जो शाख होता है ये टूट गया। ये कैसे टूटा, क्यों टूटा, इसकी टूटने की वजह क्या बनी है, ये सारी बात आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी। आप लोग वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाती है, ताकि आप लोग इस तरह की गलती ये ना करें। ये आप लोग अभी ये वाला देख सकते हैं, ये वाला न्यू सिवा का रिक्शा है, बड़ी बॉडी वाला, जिसको डबल शाख लगे होते हैं। डबल शाख का क्या फायदा होता है? अगर आप लोगों का एक शाख भी टूट जाए तो दूसरा शाख आप लोगों के काम आता है। मेरे साथ अंकल बैठे हुए हैं, इनका ये वाला शाख यहाँ से टूट गया, कैसे टूटा, इसकी टूटने की क्या वजह सामने आई है, ये सारी बात आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी। वीडियो को आप लोग कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, बताइएगा ये एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, ये आपके साथ ये वाला मसला मसाइल पेश आया, ये क्यों आया, कैसे आया, ये ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खड्डे चल चला रहे थे, खड्डा गया, खड्डे लगा तो शाख टूट गया। शाख टूटने की वजह क्या बनी है? आप भी एक नए रिक्शा ड्राइवर थे, आप लोग पहले भी चलाते रहे हैं? पहले नया ही चलाने लगा। अच्छा, अभी नया चलाने ना किया। अच्छा, जरा वो शॉक जरा कमज़ोर है, शॉक कमज़ोर है इसका, जरी पट्टी है ना वो पट्टी बिल्कुल हल्की लाई है, कमज़ोर है। अब ये बताइए, अगर डबल शॉक का और सिंगल शॉक का क्या फ़ायदा होता है? डबल शॉक ना जरा जंप घट लगता, तो सिंगल ना ज़्यादा शॉक जंप जल्दी खराब हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको इसकी दूसरी साइड दिखाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं, इसका एक ये वाला शाख होता है, एक ये वाला शाख होता है। कल का ये वाला शाख टूट गया हुआ था, जो दूसरी साइड पर था, अभी वो वेल्डिंग करवाएंगे या उसको नया लेके आएंगे। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ताकि आप लोग इस तरह की गलतियाँ खताइयाँ ना किया करें। अगर आप लोग इस तरह की गलती खताई करते हैं, उसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। आप लोग मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी इस तरह के आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।